घर है देखिए, और यहाँ पे पूरा परिवार शोकाकुल है, उदास है परिवार, क्योंकि दो बच्चे जो हैं वो इस तरीके से इन्होंने अपने परिवार ने खोए हैं। और यही कारण है कि देखिए जो परिवार है वो काफी ज्यादा उदास है, हताश है, परेशान है। कभी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि सामने घर के रहने वाला, इस तरीके से नाई का काम करने वाला एक शख्स जो है वो उन्हीं के घर के बच्चों को इस तरीके से मारेगा, उनके चिराग को इस तरीके से खत्म कर देगा। और यही कारण है कि देखिए लोग बहुत परेशान हैं, उदास हैं, और इसी तरीके से जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। चाची, कितने बजे हुआ था ये घटना? 7 बजे के थे। 7 बजे हुआ था। क्या बच्चों ने क्या बताया आप? हमें कुछ ना होता, मम्मी से पूछो, हमें कोई पता नहीं। इनकी मम्मी से पूछो। यही छोटा बच्चा है? अच्छा, छोटी है। बीच का है ये बीच वाला है। यही बच के आया था जी? बच के आया वाला। बता, आ जा प्लीज। क्या हुआ था बाबू? ऊपर जैसे ही मैं गया, मैंने कहा भैया हुआ क्या, तभी उन्होंने मेरा मुंह बंद करके ऐसे दिखा दी, तभी मुझ पर हमला करने की कोशिश करी, मैंने उनको उनके पैर में कांच लग गया, तभी मैं नीचे भाग आया। कांच पड़ी। घर पे आके किसको बताया नीचे आपने? मम्मी और दादी। दादी को बताया? बिल्कुल। देखिए ये वही छोटा बच्चा है जिसने अपनी जान बचाई और नीचे भाग कर आया, और इसी घर के 3rd फ्लोर पे बताया जा रहा है कि वो पहुंचा था यहाँ से। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार अंदर ले जाकर, तो देखिए यहाँ से ही वो जो है आरोपी साजिद और जावेद जो है, ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ा था, और उसके बाद आपको नजर आएगा कि इसी रास्ते से वो 3rd फ्लोर तक गया था। यहाँ भी देखिए जो खून के निशान है वो आपको नजर आएंगे, और ये बच्चा परेशान होकर, हताश होकर इसी तरीके से, देखिए चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो घर में खून के निशान नजर आएंगे। एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख पा रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पे। यहीं से भागते हुए देखिए पूरे घर में जो बच्चा है वो निकला था। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी जो ब्लड स्ट्रेन से खून के निशान है वो नजर आएंगे। ऊपर सुरक्षा व्यवस्था के कारण पुलिस को तैनात किया गया है ताकि कोई भी जो स्पॉट है, मर्डर स्पॉट है, वहां तक ना पहुंच पाए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now स्वदेश।